आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। एक और राजनीतिक पार्टियां सभी समाज के महापुरुषों के नाम पर उठ रहे साधने में लगी हुई हैं। कुल मिलाकर राजनीति के चक्कर में देवी देवताओं सहित महापुरुषों का भी बंटवारा लगभग तय हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के समय विश्वकर्मा समाज ने आवाज उठाई है। विश्वकर्मा विकास परिषद के अध्यक्ष ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जब मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे सहित किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते तो फिर उनके समाज के साथ भेदभाव क्यों होता है। चुनाव में भी कहीं भी विश्वकर्मा समाज के एक भी प्रत्याशी को जगह नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी समाज हितैषी अपने आप को बताती जरूर है लेकिन कार्य समाज विरोधी करती है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में विश्वकर्मा समाज अपनी भागीदारी को लेकर अपनी ताकत जरूर बताएगा। हमारी विश्वकर्मा विकास परिषद भारत 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन 1750 है। हम लोग निरंतर 20-25 साल से संस्था में काम कर रहे हैं। हमारी विश्वकर्मा समाज की जो संस्था है आज तक उसमें ना तो किसी को प्रतिनिधित्व दिया गया किसी इसमें, और जो हम लोग 15 सालों से लगातार शासन से अपनी मार कर रहे थे उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए आज हमको पत्रकार वार्ता बुलानी पड़ी। इसी के माध्यम से हम अपनी बातें आपको पार्टी से आपको संबंधित पार्टी अभी तक शासन में थी, बीजेपी सरकार थी आज 20 साल से, उसने हमारे समाज की अपेक्षा की, हमारे समाज को किसी तरह का कोई जो शासन की योजनाएं उसका भी लाभ नहीं मिला। हमारा समाज जो है लोगों के घर में जमीनों में बचे हुए थे, आज तक उन लोगों को जमीन का पट्टा नहीं मिला, इसलिए शासन की योजनाओं को उनको लाभ नहीं मिल पाया। हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारी मदद 4 प्रदेशों में है, हमारा सिलेक्शन तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश में हमारा 14 जिलों में काम कर रहा है, तो उसके माध्यम से जो भी हम लोग बातचीत के लिए माध्यम से तो इसलिए हमको पत्रकार वार्ता बनानी पड़ी कि अब चुनाव हो रहे हैं उसके बावजूद भी हम लोग प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो आने वाले समय में हम लोग कुछ निर्णय लेंगे, इसलिए हमको आप लोगों से बैठ बात करनी पड़ी। कह रहे हैं कि आप अगर नहीं हो सके नहीं, हम ब्लैक ग्रुप हो गए तो आप लोग बात कर रहे हैं, हम लोग दूर दूर से आ रहे हैं तो अब वो दूरी नहीं रही, अब लोग हम लोग काफी नजदीक आ गए, बैठ के बात करके हम लोग आपस में कोई तैयार लिए हैं मान लेंगे और आप लोगों से भी बातें करेंगे। राजनीति हमारा समाज काफी पिछड़ा था, लिखे पढ़े लोग कम थे, आज जो है पढ़ने लिखने को उनको मौका मिला, अब पढ़ लिखे वो तैयार हो गए समझदार हो गए, इसलिए अपने अधिकार के लिए वो माफ करने के लिए खड़े हो रहे हैं। अभी आपका कहना कि विधायक अभी देखिए बीजेपी के तो 20 वर्ष हो चुके हैं, उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं दिया, हमने 13-14 दिन से माफ कर रहे हैं, उनको तो पत्र दिया जो मेरे पास आज भी उपलब्ध है, जो हमने उनको मृत्युण पत्र दिए हैं उसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने उनको पत्र दिया था मुख्यमंत्री को, आज तक उसमें हमारे वकील जैसे विश्वकर्मा जयंती होती है आज तक उसमें उन्होंने अवकाश नहीं दिया विश्वकर्मा जयंती के लिए,
हमारे जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है वो दूसरों की जमीन में बसे हुए हैं, आज तक उनके पास उनके पत्ते नहीं, इसलिए वो शासन का लाभ नहीं ले पा रहे, चाहे वो बाथरूम बनाने का हो चाहे घर बनाने का हो, उनको पर्टिकुलर लाभ नहीं मिल पा रहा। जब तक उनके जमीन में होगी तो शासन के ना घर बनाने का पैसा मिलेगा ना और आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है।